हेलो दोस्तों, एक बार फिर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका बेसरपी से काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था। तो इस वैकेंसी का अपन पूरा डिटेल पूरा हिंदी में बताऊंगा और एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। सिलेबस क्या रहेगा, क्या बुक पढ़ना है, पोस्ट कितनी है, फोर्थ ईयर वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, यूपी के बाहर वाले अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, सैलरी कितना रहेगा, पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ऐड देख लीजिए। अब सीएचओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन सीएचओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित सीएचओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से। अभी बात करते हैं दोस्तों कि यूपी के अंदर वैकेंसी आई है और हर जगह सीसीएन कोर्स 6 मंथ का होता है, लेकिन यहाँ पे 4 मंथ का होगा, मतलब आपका 2 महीने बच जाएंगे। जिन लोगों ने पहले कोर्स किया है उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा, सबको कोर्स करना पड़ेगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए अलाउ नहीं किया है। अब बात करते हैं कि सर वैकेंसी कितना है। टोटल वैकेंसी 5,500 है और उसके अंदर यूआर की अलग पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की अलग पोस्ट है, ओबीसी एससी एसटी, टोटल वैकेंसी 5,505 वैकेंसी। इसमें मैं पीडीएफ को देख के आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जो एजीटी इंग्लिश में लिखा उसको रीड कर लिया, तो पूरा हिंदी में आपको बताएंगे। तो वैकेंसी आपको क्लियर हो गई, पोस्ट हो गई, 4 मंथ का आपको ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के टाइम में आपको जो सैलरी मिलेगा कितना मिलेगा, वो 10,000 मिलेगा। सैलरी ट्रेनिंग के बाद में आपको सैलरी अधिकतम 35,000 तक मिल सकता है। अब बात करते हैं फॉरम स्टार्ट कब होगा। फॉरम स्टार्ट होगा आपका 20 जुलाई को। लास्ट डेट कब है, 9 अगस्त। लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, अगर आपको रियली फॉरम फिलअप करना है तो अभी आप फिलअप कर दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना। फॉरम डिस्ट्रिक्ट वाइज करना है तो अकॉर्डिंग टू सुटेबल आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉरम अप्लाई कर सकते हो। यूपी के कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैंडिडेट कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फॉरम अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। अब बात करते हैं अपन दूसरा कि जो पर्सन कोविड के टाइम में वहाँ पे जॉब कर रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कहीं भी मैनेजमेंट में बात काम कर रहा है, तो उनको 6 मंथ का अगर एक्सपीरियंस तो 5% एडिशनल लिए जाएंगे। 10% हो 1 ईयर के लिए 10% और 1.5 साल या उससे अधिक के लिए 15% एडिशनल दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको कोविड का सर्टिफिकेट बनवा देना है अगर आपने रियली काम किया हो तो। अब बात करते हैं कि सर जो एग्ज़ाम दोगे कैसा होगा। सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसके लिए सीबीटी बेस पे जो एग्ज़ाम होगा इसी के बेस पे मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.missionhighnursing.com, इस पे जाइए, वहाँ पे आपको सीबीटी बेस के यूपी के रिलेटेड आपको एग्ज़ाम मिल जाएंगे, वहाँ पे आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर जो एग्ज़ाम दोगे उसमें मिनिमम कितना मार्क्स लाना है। मिनिमम जनरल का 33% मार्क्स, ओबीसी का 30 मार्क्स और एससी का 24% मार्क्स, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा तो जनरल के लिए कम से कम 33 नंबर लाना कंपलसरी है, ओबीसी को 30 नंबर और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 24 नंबर लाना है। इससे कम लाएगा तो आप क्वालिफाई नहीं रहोगे और आपका जो कोविड वाले जो नंबर है वो भी नहीं जुड़ेंगे। कोविड वाले नंबर तभी आपका ऐड होगा जब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस करोगे। इसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है टाइम से पहले। अब सबसे इम्पोर्टेंट सर क्वालिफिकेशन क्या है। जीएनए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ ईयर वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, थर्ड ईयर इंटर्नशिप वाला जीएनए वाला भी इंटर्नशिप अप्लाई नहीं कर सकता है। एज कितना है, एज 35 ईयर है, 20 जुलाई तक उसका एज 35 ईयर तक है तो वो अप्लाई कर सकता है, उससे अधिक है तो नहीं कर सकता है। बट ये एज जनरल के लिए है, एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्शन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एसटी एससी के लिए 5 ईयर, मतलब ओबीसी का कैंडिडेट 38 ईयर तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एसटी एससी का कैंडिडेट 40 ईयर तक। अब बात करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कहाँ का सही। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम आपका यूपी का चाहिए, तो सबसे पहले तो आउटर जिन जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ यूपी है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा यहाँ पे। आपके पास टाइम है, ट्राई कर दीजिए, अगर आप कन्वर्ट करवा सकते हो तो इट इज़ बेटर फॉर यू। सैलरी आपको बता दिया, ट्रेनिंग पीरियड में 10,000 सैलरी रहेगा। इसके बाद में मैक्सिमम
35,500 आपका सैलरी हो सकता है, 20,500 आपको सैलरी मिलेगा प्लस 15,000 इंसेंटिव मिलेगा। ये सैलरी में भी थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि पहले 25,000 तो इसको भी 25 दे सकते हैं, बट इसके बारे में कंफर्म नहीं। अब बात करते हैं सर श्योरिटी बॉन्ड कितना है। श्योरिटी बॉन्ड आपका जो फोर्थ मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद जब एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर पोस्टिंग करोगे उस टाइम आपको 2.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भर के देना है। उस बॉन्ड के अंदर कुछ कंडीशन लिखी रहेगी कि आपको 3 ईयर तक यूपी के अंदर वर्क करना जरूरी है, अदरवाइज आपको 2.5 लाख वहाँ पे भरने पड़ेंगे। ये बात हो गई कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन के लिए, टेस्ट सिटीज कहाँ पे होगी, जो बड़ी सिटी सब होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। सिलेबस 80% नर्सिंग आएगा, 20% अदर्स मैथ रीजनिंग जीके जीएस पोर्शन आएगा, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में कंप्लीट मिलेगा। तो आप वेबसाइट विजिट ज़रूर करना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब और अपन आगे बात करते हैं, सिलेबस आपको बता दिया 80% नर्सिंग, रिमेनिंग 20% अलग। अब बोलते हैं कि सर जो कैंडिडेट जिसके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन तो है बट उत्तराखंड का है वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट बाहर का है लेकिन उसके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है तो वो अप्लाई कर सकता है बट वो एज अनरिजर्व के तौर पर गिना जाएगा, यू आर मतलब जनरल में काउंट होगा। तो ये आपकी बड़ी बड़ी बात। अब अपन और बात करते हैं कि शॉर्ट में एज रिडक्शन आपको बता दिया कितना के एज रिडक्शन मिलेगा। अब आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, मिडवाइफ, ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल, एनवायरमेंट हाइजीन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट आ गए। इसके अलावा जो 20 नंबर का जो पोर्शन है पेपर 2 उसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर भी आएगा आपको। तो ये डियर आपका जो मेजर सीख है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, पेपर दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज को आपको कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं कि जो मेजर चीज आपको पूरा डिस्कस कर लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए आपको बेस्ट बुक मिशन CSO 2.0 अप्लाई कर सकते हो, जिसका ऐड अपने शुरू में देखा है और वीडियो के एंड तक आपको वापस देख सकते हो, और उस बुक का सैंपल PDF के लिए आप मुझे WhatsApp मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे, या ऑर्डर करने के लिए भी आप WhatsApp मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर जिन लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा वो यहाँ से भी देख सकते हैं। बात करते हैं कि अदर्स, एक बार शॉर्ट में फिर रिव्यू कर लेते हैं कि पोस्ट कितना है 5,500। फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल, जिन लोगों का GNM BSc हो रखा है और रजिस्ट्रेशन आया हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ यूपी का है वो अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको फॉरम सबमिशन के टाइम में यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या जो कैंडिडेट यूपी का रजिस्ट्रेशन है और बाहर और उत्तराखंड से या राजस्थान से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, यदि अगर आप राजस्थान के हो और आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी कितना मिलेगा आपको? 35,000 मैक्सिमम सैलरी मिल सकता है और फोर्थ मंथ की जो ट्रेनिंग होगी उसमें 10,000। सिलेबस क्या रहेगा? 80% नर्सिंग और रिमेनिंग 20% नॉन नर्सिंग। उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी? आप नर्सिंग के लिए मिशन CSO 2.0 पढ़ सकते हो, और नॉन टेक के लिए जो 20 नंबर है उसके लिए आप मिशन नॉन टेक एक बुक आती है, दोनों पर्पल कलर के साथ में आती है, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हो। बुक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी जहाँ पे आपको कम प्राइस में मिलेगी, बाकी फ्लिपकार्ट अमेजन भी आपको मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप मैसेज है वहाँ पे आप डाल सकते हो। थैंक यू डियर्स, ऑल दी बेस्ट। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू डियर्स।